छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्ग तहसील साहू संघ के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के मंत्री विधायक शामिल हुए। समाज को एक मंच में लाकर समाज का उत्थान कराने के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्ग तहसील साहू संघ के द्वारा वृहद पैमाने पर एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के मानस भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री तामधर साहू, शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर माँ कर्मा को याद कर उनकी आराधना के साथ ही समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने मंच से समाज के लोगों को संबोधित किया। सब लोग जानते हैं कि बगैर माँ के आशीर्वाद लिए बगैर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, तो कभी आगे नहीं बढ़ सके। तो आज साहू समाज के द्वारा जो यह आयोजन हुआ है, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के महतारी की वंदना करते हुए तहसील साहू संघ के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वही तहसील साहू संघ दुर्ग शहर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के सभी आयु वर्ग के लोग भी शामिल हुए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कलर सजाओ प्रतियोगिता के साथ ही लोक नृत्य का आयोजन किया गया। सामाजिक हो या राजनीतिक, समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग तहसील साहू संघ के बैनर तले ये आयोजन किया गया। इस संबंध में तहसील साहू संघ के अध्यक्ष पोषण लाल साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तहसील साहू संघ दुर्ग शहर का आयोजन है। हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करते हैं। पिछले दो वर्षों से कोरोना काल के कारण हम लोग नहीं मना पाए थे, इस बार पुनः प्रयास करके यह आयोजन कर रहे हैं। हमारे उद्देश्य सांस्कृतिक उत्सव रखने के पीछे सिर्फ एक ही है कि हमारे पूरे सामाजिक बंधुओं का एक साथ समागम हो जाता है, एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे के से मेल मिलाप हो जाता है। इसमें इस कार्यक्रम में पूरा दुर्ग शहर के पूरे प्रक्षेत्र, पूरे इकाई और दुर्ग जिले के दुर्ग जिले में जितने तहसील साहू संघ हैं और जितने प्रक्षेत्र हैं, सभी लोग आए, मतलब पूरे दुर्ग जिले के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमें किस तरीके से संजोए रखना है, भक्त माता कर्मा हमारी जो इष्ट देवी है उसके बारे में हमारे बच्चों को, और संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसको, सांस्कृतिक हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको ये मंच में करने का प्रयास किए हैं हम लोग। तो उसी माध्यम से यहाँ आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, दुर्ग शहर के विधायक अरुण बोरा जी। रेनी सी न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।